नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज़। मैं पूजा। इंदौर क्राइम ब्रांच व सदर बाजार पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध प्रतिबंधित नशीली दवा ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड की 2160 टैबलेट के साथ दो आरोपी को गिरफ्तार किया। यह प्रतिबंधित टैबलेट आतंकवादियों द्वारा इस्तेमाल की जाती है। इस दवाई को आतंकवादी संगठन ड्रग व फाइटर ड्रग्स के नाम से भी जाना जाता है। ऑपरेशन प्रहार के तहत इंदौर पुलिस लगातार अवैध मादक पदार्थ की खरीद फरोख्त को लेकर कार्रवाई कर रही है। वहीं इंदौर क्राइम ब्रांच को मुखबिर से सूचना मिली थी कि सदर बाजार थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति जिसका नाम रितेश पांडे है, थाना क्षेत्र में अवैध प्रतिबंधित नशीली दवा ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड टेबलेट बेचने की फिराक में घूम रहा है। सूचना पर सदर बाजार थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने घेराबंदी कर रितेश को पकड़ने में सफलता हासिल की। वहीं पकड़े गए आरोपी ने पुलिस को पूछताछ में एक मेडिकल से यह अवैध प्रतिबंधित नशीली दवा ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड लेना बताया। पुलिस ने मेडिकल संचालक जितेंद्र जैन को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो जितेंद्र ने बताया कि अवैध प्रतिबंधित नशीली दवा ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड 2160 टैबलेट बिना डॉक्टर की सलाह के दी गई है। क्राइम ब्रांच DCP निमेश अग्रवाल ने बताया कि अवैध प्रतिबंधित नशीली दवा ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड का इस्तेमाल आतंकवादी द्वारा किया जाता है और इस दवाई को आतंकवादी संगठन ड्रग व फाइटर ड्रग्स के नाम से भी जाना जाता है। अब पुलिस ने दोनों आरोपियों पर NTPS की धाराओं में मामला दर्ज कर आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। लगातार हम लोग जो है जो मादक पदार्थ हैं उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। इसी के तहत हमको सूचना मिली थी कि एक रितेश नाम का व्यक्ति, वो जो ट्रामाडोल नाम की एक दवा होती है जो कि NDPS एक्ट के तहत जिसका संधारण जो है वो प्रतिबंधित है, अवैध संधारण, तो वो हमको उसकी सूचना मिली कि वो इसकी तस्करी कर रहा है और बिना किसी लिखा पढ़ी के और बिना किसी उसके आधार पे वो जो है ट्रामाडोल की जो कैप्सूल है वो लोगों को बेच रहा है। तो इस पे कार्रवाई करते हुए उसको पकड़ा गया और उससे 2160 कैप्सूल पकड़े गए हैं और उसके निशानदेही के आधार पे जो दुकान वाला था जो कि इसको ये ट्रामाडोल की कैप्सूल ये बिना किसी लिखा पढ़ी के बिना किसी औचित्य के उसको आगे बेचने के लिए दे रहा था, तो उस व्यक्ति को भी, दुकानदार को भी गिरफ्तार किया गया है। ट्रामाडोल NDPS एक्ट के तहत एक प्रतिबंधित दवा की श्रेणी में आता है। इसको बिना किसी औचित्य के, बिना प्रिस्क्रिप्शन के और बिना लिखा पढ़ी के इसको ऐसे इसके साथ व्यापार नहीं किया जा सकता है और इसका जब नशे के लिए सेवन किया जाता है तो इसमें जो है NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की जाती है। 2018 में इसको NDPS एक्ट के उसमें अंतर्गत लाया गया था। किस काम आती है, कौन लोग इस्तेमाल करते हैं? इसकी जो ये दवा है ये मतलब एक सिंथेटिक ओपियॉइड है और ये जो आतंकवादी संगठन है ये भी इसका इस्तेमाल करते हैं और इसका जो है ये नशे के रूप में इसका इस्तेमाल जो है अभी हाल में इसका चलन आया है, तो इसलिए जो है इसमें ये कार्रवाई की जा रही है। सर, कहाँ की कार्रवाई है, कौन सा थाना? ये थाना सदर बाजार क्षेत्र की कार्रवाई है। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। नमस्कार। खुल गया खुल गया खुल गया, आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।